अब मैं उतर गया हूँ। मैंने कहा यार पहले ये जो उस्ताद है ना जिसने गाड़ी अभी सेटल की है यही गाड़ी चलाए, अभी देखते हैं कि क्या होता है। उस्ताद जी साढ़े कोल बह गए ने उमेर भाई सर, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। चलें गाड़ी जरा फ्रंट ड्रॉप है सर, ट्रैक्शन मैं बैठा हूँ। अब पीछे मेरे का यार एक उमेर भाई को दें जरा गाड़ी 2GR, माशाल्लाह उनका हाथ साथ सेट हुआ है। उमेर भी रिस्पांस ओके है ओए होए। अल्लाह पाक यार हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मायसेल्फ हमजा गाजी एंड यू आर वाचिंग हमजा गाजी व्लॉग्स। आज बड़ा व्लॉग बड़ा एक्साइटेड जाने वाला है। उसका रीज़न ये है कि बड़े दिनों से आप लोग कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर LSD नहीं है। आज हम लोग कुछ LSD के ऊपर बात करने लगे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है आज और मैं अपने घर के सामने एक पार्क में बैठा एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ऐसे ज़रा कम टू द व्लॉग, यहाँ आते हैं बात करते हैं उसके ऊपर और फिर आपको आज बताते हैं कि आज हम करने क्या लगे। जी हाँ, हम लोग बात करने लगे हैं LSD के बारे में। आज का व्लॉग बेसिकली LSD के बारे में है। वो लोग जो LSD को जानते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं जानते तो आपका भाई मौजूद है। टोयोटा मार्केट्स में LSD जब इंस्टॉल हो जाता है तो वो एक पूरे मज़े करवाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको डिफरेंशियल के बारे में बताऊं तो 2 टाइप्स के डिफरेंशियल होते हैं। इस एक को कहते हैं ओपन डिफरेंशियल और दूसरे को कहते हैं LSD डिफरेंशियल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। टोयोटा सुप्रा की बात करें तो टोयोटा सुप्रा जब घूमती है तो मैं कहता हूँ कमाल मज़े करवाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर LSD लगा होता है। और कुछ लोग मेरी तरह सुप्रा के डिफरेंशियल के डाई हार्ट फैन हैं। सो मैं भी यही चाहता हूँ यार कि हमारी मार्केट्स में अगर कोई डिफरेंशियल इंस्टॉल हो तो वो टोयोटा सुप्रा को। एक तो पहले सोर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था सुप्रा का डिफरेंशियल, फिर उसके कुछ कह लें कि थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस थी, क्योंकि सुप्रा का डिफरेंशियल अपने तौर पे बना हुआ है सुप्रा चेसी के लिए, मगर ये टोयोटा फैमिली है सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करके ये एडजस्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, जिन गाड़ियों में ओपन डिफ होता है उनका बैक 1 व्हील स्पिन करता है। अगर वो किसी भी मोड पे कह लें कि थोड़ी स्किट सी या थोड़ी ड्रिफ्ट की ट्राई करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक व्हील पूरी पावर में और दूसरा व्हील बिल्कुल ही कह लें कि किसी पावर में नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही इंजॉय कर रहा है आराम से। तो बेसिकली LSD जब आप लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल को यूज़ करते हैं तो वो 1 टाइम पे दोनों व्हील्स को स्पिन करता है। इसकी वजह से टायर प्रॉपरली दोनों एक ही रोटेशन में एक ही पावर में घूमते हैं। तो बेसिकली ये फंडा है जो हमारी गाड़ी में इस टाइम है, वो ओपन डिफ है। बट आई विश कि हमारी गाड़ी में LSD इंस्टॉल हो और दोनों व्हील प्रॉपरली स्पिन करें। अब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल टोयोटा सुप्रा का डिफरेंशियल ढूंढना यार एक रियली हार्ड टास्क। थर्ड थिंग आई शेयर यू, वेल्डेड डिफ, जो ओपन डिफरेंशियल होता है उसको वेल्ड करके कह लें कि ऐसी रोटेशन बनाई जाती है जिसमें दोनों टायर 1 टाइम पे ही स्पिन करें, मगर अमूमन ये एक जगाड़ है और बड़ी लो कॉस्ट है। मगर अगर आप प्रॉपर LSD चाहते हैं तो भाई ये जेब पर बहुत भारी है, बंदे की जेब खाली हो जाती है फिर जाके ये वाले कोई मज़े आते हैं। अब चलते हैं टोयोटा सुप्रा का डिफरेंशियल ढूंढने, सोर्स करने और उसको फिर अगर ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से वो मार्केट्स में फिट हो सके। अगर होता है तो फिर आपको प्रॉपरली सारी स्टोरी बताते हैं। तो कम विद मी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको कार्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा यार 5000 का कर देना,
बड़ा डेडली मिशन करने के लिए निकल गए हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग, क्या बनता है, मगर कोई बात नहीं, ट्राई तो बनता है भाई। वर्कशॉप पहुंच गए हैं, गाड़ी अभी लगी है ऑन द स्पॉट, कह लें कि वो उस जगह के ऊपर जहां वो गाड़ी खुलती वगैरह। सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, मगर ये है कि आई एम रियली पैशनेट और कभी LSD का पंगा लिया नहीं था, मगर काफ़ी दोस्तों ने इंसिस्ट किया, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह में हमेशा पढ़ता था कि यार मार्केक्स और LSD हो तो फिर मज़ा है। तो ऑब्वियसली मेरा भी कुछ ना कहीं जेन में ज़रा बिल्कुल चीज़ थी। गाड़ी को ये इन्होंने देसी सिस्टम से अभी वटे शटे रखे हैं ताकि गाड़ी ज़रा स्केड ना हो, और उसके बाद अभी जैक लगाया। जैक लगाने के बाद गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी ज़रा ऊपर की तरफ। बहुत कम है जो मार्केट्स में कह लें कि प्रॉपर LSD गाड़ियाँ आती हैं जिसका उतरे प्रॉपरली और फिर इसमें लगे, थर्ड ऑप्शन वो है। तो हम लोगों ने अभी ये है कि गाड़ी जैक पे यूं करके उठा ली है, मैकेनिक साहब लगे हुए हैं काम धनाधन करने, एक व्हील खोल लिए इन्होंने। अच्छा, ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि 1.5 से 2 घंटे लेती है खुलने में, फिर दूसरा डिफ निकल आता है, डिफ निकलने के बाद आप दूसरा डिफ डालते हैं और डिफ डालने के बाद उसका ऑयल शॉयल पूरा करते हैं। तो बज़ाहिर ये थोड़ी सी हैक्टिक जॉब ज़रूर है, मगर ये है कि लेबर इनके पास काफ़ी तेज़ है, तो अभी तक मेरे ख्याल से डिफ निकलने के करीब है। ज़रा डिफ को नज़र मारते हैं अब जाके। जब हम लोग आए थे तो कह लें कि ज़रा दिन था, अब मगरिब का टाइम आ गया और दिन जा रहा है, 1 से 1.5 घंटा लगा है, डिफ फाइनली बाहर आ गया। ये आपके सामने इस टाइम डिफ मौजूद है, अभी अपनी एक केसिंग में है प्रॉपर। ये डिफ के हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा तो इसने भी दिया हुआ था, कह लें कि साइड टेल्स वगैरह मज़ेदार काम चल रहा था। हाँ, सो नॉर्मल डिस्क और कह लें कि नॉर्मल LSD बाहर आ गया है, अब इसके बाद अब हमें इसके अंदर LSD फिट करने लगे हैं। कुछ ही देर में LSD हम तक पहुंच जाएगा और जैसे ही आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। फाइनली डिफ खुल गया है, डिफ खुलने के बाद उसके अंदर का जो भी प्रोसीजर था वो गरारियाँ और वो मैंने सारा फर्स्ट टाइम देखा है, तो एक कह लें कि एक फील आई कि यार पहले आपको जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाड़ी की वन व्हील स्पिन करता है, और अगर आप वो अंदर वाला सारा सिस्टम जिसको LSD बोलते हैं वो चेंज कर देते हैं तो आपके दोनों व्हील चलने लग जाते हैं, तो वो मैंने देखा बड़ा वाज़े फ़र्क था। आए अब आपको दिखाता हूँ कि वो व्हील है अंदर की गरारियाँ हैं क्या। बेसिकली ये वो कंप्लीट पार्ट है, और इस टाइम ये हमारा ओरिजिनल वाला है जो गाड़ी के अंदर से निकला है। आप इसकी वन साइड देख रहे होंगे कि वन साइड ग्रिप वाली साइड है, और फाइनली टाइम ओवर हुआ यार वेट का, काफ़ी सुबह से आए हुए थे और अब ये टाइम आ गया, मगर कोई बात नहीं, अब ज़रा काम शाम शुरू हो गया है, कह लें कि डिफ को खोला जा रहा है प्रॉपर तरीके से। उस्ताद जी, दानी साहब, कितने की देर लगेगा इनू दोबारा रीपैक करने वास्ते? 5-7 मिनट। दानी भाई, आपको पता है स्पीड मशीन्स का ओनर, आपको पता है फास्ट सर्विस, फुल फास्ट यार, 5-7 मिनट। हां, इतने लगेगा देखिए, एक दो मिनट ऊपर नीचे करके बाद ना वीडियो रोक के वो गंजा हंसेगा। सही गल है, वो भी तो होना चाहिए। थोड़ी ले आ जल्दी कर। ये हमारे पास ओल्ड डिफ आ गया, इसकी वो कह रहे हैं कि बॉडी से बाहर निकाल ली और इसके बाद इसको खोला। मेरे भाई ये आया दूसरा। हाँ जी, ये हमारा है जो प्रॉपर LSD जिसको हम कहते हैं। ओए होए होए होए, वो कड़ा ऊपर वाला गुच्छा वही रहेगा अंदर, अब इसके ये फिक्स हो जाएगा। ਐਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸਤਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਕਮ ਕਮ ਹੁੰਦਾ कुछ ही देर में इसको इंस्टॉल करने के बाद मुझे बड़ी बेसब्री से वेट है कि इसको फिर टेस्ट किया जाए। ये टॉपिक ही अब जरा ड्रिल से दोबारा उसको सही तरीके से कस दिया जाएगा, उसके बाद फिर फिटिंग का टाइम आ जाएगा। निकल के अब आए हैं यहाँ इंस्टॉल करने के लिए, काफी टाइम हो गया यार, टाइम टेकिंग काम था बेसिकली, कोई कह लें कि
अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours लगे हैं, मगर ये है कि फाइनली कंप्लीट फिटिंग हो गई है। अब इसके बाद ये प्रॉपर बैक सस्पेंशन सारा खुला हुआ है, अब ये जैसी लगता है तो फिर गाड़ी इंशाल्लाह निकालते हैं। अच्छा, इसकी भी फिटिंग पे अप्रॉक्सीमेटली घंटा ही लगेगा, मगर ये है कि गेम सेट हो जाएगी। अच्छा, एक जब आप कह लें कि ये डिफ चेंज करते हैं ना, डिफ के अंदर होता है ऑयल, तो ऑब्वियसली अब हमने LSD डाल दी है तो नया ऑयल डालना पड़ेगा। टोयोटा रिकमेंडेड, अगर टोयोटा गाड़ी है तो आप टोयोटा का डिफ ऑयल डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं जी, ये ऑयल इन्होंने रिकमेंड किया और इसका ऑयल डालने का ये एक प्रोसीजर है। ओए होए, आखिरकार वो टाइम आ गया कि डिफ फिट हो गया। गाड़ी स्टार्ट की है अभी, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कह लें कि अभी जैकों पे ही है, उसे रिम लगा के देखा है कि डिफ वर्किंग में है कि नहीं है। बड़ी अमेजिंग फीलिंग है यार। जब LSD इंस्टॉल हो जाता है तो आपका कह लें कि दोनों व्हील आपके ना वर्किंग में आ जाते हैं। एक जिस तरह ये देख लें इस साइड का, और एक दूसरा आप देख लें ये साइड वर्किंग में आ गई है। क्या वो ब्रेक मारी है? अच्छा, मैं उतर गया हूँ। मैंने कहा यार, पहले ये जो उस्ताद है ना जिसने गाड़ी अभी सेटल की है, यही गाड़ी चलाए। अभी देखते हैं कि क्या होता है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ज़रा आपको पता है वर्कशॉप आके फिर गाड़ी ज़रा गंदी हो जाती है। हाय 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 हाय, अल्लाह खैर लें जी। उस्ताद जी साढ़े कोल बह गए ने। उमेर भाई सर, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। चलें जी, गाड़ी ज़रा फ्रंट ड्रॉप है। सारी ट्रैक्शन अल्लाह खैर। ये LSD भाई, गाड़ी सीधी हुई है, ओपन डी फोटो गाड़ी फुटपाथ पे थी। This is LSD bro. Oh my god. Let's see what's happening yaar. But Taji, RPM kya tha jab gaadi ghumi hai? Normal hai. Lekin matlab normal brake push jo keh liye aap, 2000-2500 RPM. Ha. Sari speed breaker aaye na. Thoda tircha katta. Eh ji, ek chhota sa grip zara check karna hai. Wo zara grip check kar le, uske baad fir dekhte hain. अल्लाह खैर। यार कोई एक्सपो वाली जगह पे चलो यार। मैं बैठा हूँ अब पीछे, मेरे का यार एक उमेर भाई को दे जरा गाड़ी। 2GR माशाल्लाह उनका हाथ साथ सेट हुआ है। मेरे भी रिस्पांस ओके है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार। होए यार, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आई हम हरकतें तो कर लेते हैं, मगर यार इट्स रियली डेडली यार। मैं कभी कभी दुख करता हूँ, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ हुआ इधर यार। अवाम ओए होए होए अल्लाह खैर। निशान नोट है यार। ओए होए होए, बड़ा डेडली एक्सीडेंट हुआ है यार। ओए होए, अल्लाह पाक यार हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे यार। गाड़ी चलाएं यार जो भी करें, मगर प्लीज सेफ्टी को मद्देनजर जरूर रखें यार। काफ़ी लेट हम लोग फ्री हुए रात को, और LSD हमारा इंस्टॉल हो गया था,
उसके बाद हम लोग टेस्ट ड्राइव पे निकले यार, एक बहुत मेजर एक्सीडेंट देखा जिसके बाद सच में पूछो तो व्लॉग कंटिन्यू करने की हिम्मत भी नहीं रही और दिल भी नहीं किया। तो वो बिल्कुल, मैंने आपको व्लॉग में गाड़ी पूरी जिस तरह घूम रही है और जो इस टाइम उसके कह लें कि टॉर्क और मतलब अमेजिंग यार, मैं क्या बताऊँ कि LSD ने क्या किया। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपरली बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।